हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जाएंगे नागलोक मंदिर। अब बज चुके हैं सुबह के 11:15। काम करके जाते हैं नागलोक मंदिर। आप सबको दिखाएंगे नागलोक मंदिर कैसा है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पर्दा फास मोती जी की, उससे रिलेटेड है वो। तो चलिए चलते हैं जल्दी फटाफट काम करके, मिलते हैं नागलोक मंदिर। हम आ चुके हैं डल्लू देवता मंदिर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आरती के पोस्टर लगे हुए हैं और यह है असली सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर। ये देखो, प्राचीन सिद्धपीठ है ये, असली महाराज जी का, डल्लू देवता महाराज जी। चलिए आगे चलते हैं। और ये रहे नाग देवता, नाग देवता है ये। ऐसे ऐसे काफ़ी नाग देवता हैं इस मंदिर में। चलो आगे चलते हैं। यहाँ आज शनिवार है तो इसलिए ताला लगा हुआ है। हर संडे को खुलते हैं यहाँ दरबार मंदिर के। ये देखो राधा कृष्ण की कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर हैं काली माता और दुर्गा माता देवी की तस्वीर। यहाँ पर ये पूर्वजों के देवता के स्थान बने हुए हैं। ये मंदिर शिवलिंग भोले बाबा जी का। यहाँ पर सभी की तस्वीरें हैं मंदिर में। और ये देखो एक और नाग देवता मंदिर। यहाँ तीन तस्वीरें हैं, इधर गमले रखे हुए हैं साइड में भी। ये पूर्वजों की याद में बनाए हुए हैं सब ने अपने। होली दिवाली को सब यहाँ पूजने आते हैं सैकड़ों देवता बने हुए हैं। और ये है सबसे खूबसूरत तस्वीर शिव पार्वती जी की। ये देखो अभी गेट बंद है यहाँ। यहाँ पीछे पानी भी चलता है, ये बंद है अभी। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये समाधि ली हुई है महाराज जी ने। चलो, और ये है रामचंद्र जी। ये देखो कितने देवता बने हुए हैं यहाँ, सैकड़ों। यहाँ पर भी एक नाग देवता की तस्वीर है, दिखाते हैं। चलो ये देखो, बहुत ही नाग देवता की तस्वीर है इस मंदिर में। ये से रिलेटेड है पर्दा फास मोती झील से, ऐसा बताया गया है। ये देखो कितना पुराना पेड़ है, वट वृक्ष है ये, देख सकते हैं आप। बहुत ही पुराना है, 100 साल पुराना हो सकता है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये देखो यहाँ भी कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। पीछे की साइड भी बहुत बने हुए हैं ये तस्वीर इनकी, देवताओं की। हर रविवार को यहाँ मेला भरता है। ये देखो कितना पुराना पेड़ है ये वट वृक्ष का, देख सकते हैं आप। आइए अब आपको ले चलते हैं आगे की तरफ इस साइड। यहाँ पर भी समाधि ली हुई है एक बाबा जी की, ये देखिए। ये समाधि है बाबा जी की, बाबा नारायणपुरी। चलो आपको एक नाग देवता के और दर्शन कराते हैं। ये देखो दूर से मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भंडारा स्थल है, भंडारा होता है यहाँ। ये देखिए गाइस,
आपको ये दिखाते हैं। चलते चलते गाइस बता देते हैं आपको, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं, आपको बताना कैसा लगा ये हमारा मंदिर, हमारा नहीं सबका ही है, इतना खूबसूरत है।